बीजिंग और वॉशिंगटन में हांगकांग के मामले पर नोकझोंक का सिलसिला जारी है। चीन ने हांगकांग के हवाले से अमरीकी कांग्रेस से एक्ट की मंजूरी को मुस्तरद करते हुए वाजे कर दिया है कि अगर अमरीका ने अपने गलत फैसले पर इसरार किया तो चीन मौसर जवाब देगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक इस कानून के जरिए हांगकांग और चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को जवाज फराहम करना है। उनका कहना था कि चीन की हुकूमत इस इकदाम की सख्ती से मुखालफत करती है और अमरीका इस फैसले की शदीद मजम्मत करता है। चीन की पोजीशन वाजे करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी इंतजामिया खत्ते के तौर पर हांगकांग का इंजमाम और अवामी जौहरिया चीन का कौमी तहफ्फुज़ का कानून नाफिज है, जिसमें चीन के आइन के मुतल्लिका शिकें और हांगकांग की खुसूसी हैसियत का हामिल बुनियादी कानून शामिल है। चीनी आइन का हवाला देते हुए तर्जुमान का यह कहना था कि आइन मुतफ़क़्क़ा तौर पर हांगकांग के शहरियों समेत तमाम चीनियों के लिए जिन्होंने इसकी तौसीक कर दी है और हांगकांग चीन का खुसूसी इंतजामी खत्ता है। अमरीकी इकदामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि हांगकांग के मामलात चीन का अंदरूनी मामला है, किसी भी दूसरे मुल्क को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन हांगकांग की खुद मुख्तारी, सलामती, तहफ्फुज़ और खुशहाली को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखता है और हांगकांग के मामलात में बैरूनी मुदाखलत की सख्ती से मुखालफत करता है। तर्जुमान का यह कहना था कि अमरीका की जानिब से हांगकांग के कौमी सलामती कानून पर अमल दरामद में रुकावट पैदा करने का इकदाम कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अमरीका पर जोर देते हैं कि वह अपनी गलतियों को दुरुस्त करे, नामनिहाद हांगकांग खुद मुख्तारी एक्ट को नाफिज करे और किसी भी तरीके से चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करें।